Hello friends, welcome to LearningSTAN, Learn to Know and Know to Learn. आज के इस लेक्चर में हम सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम SSEJEE में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व हो चुका था, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ये कहता है अ सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट 1/4 ऑफ फुल लोड. फिर आगे कहता है इफ इट्स फील्ड करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ देन इट वुड व्हाट. तो इसका कहने का मतलब है कि एक सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर 1/4 ऑफ फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है, उसके बाद यदि हम उसके फील्ड करंट को स्विच्ड ऑफ कर दें, यानी कि फील्ड करंट को यदि हम जीरो कर दें, तो इस मोटर के ऑपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा. ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर दो तरह के होते हैं, एक सैलियन पोल टाइप और दूसरा नॉन सैलियन पोल टाइप, यानी कि सिलेंड्रिकल रोटर टाइप. लेकिन इस क्वेश्चन में हम सैलियन पोल सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सैलियन पोल सिंक्रोनस मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो किस तरह का टॉर्क होता है. तो इसके लिए आप लिखेंगे कि टॉर्क डेवलप्ड इन सैलिएंट पोल मोटर विल बी इक्वल टू रिलक्टेंस टॉर्क प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. यानी कि सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में दो तरह के टॉर्क डेवलप होते हैं, एक है रिलक्टेंस टॉर्क और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. यहाँ पर आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होने का जो मेन रीजन है, जो मेन कॉज है, वो है फील्ड करंट. यानी कि जब आप मोटर के फील्ड को एक्साइट करते हैं, या फिर हम ये कहें कि मोटर के फील्ड वाइंडिंग को जब हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग में फील्ड करंट फ्लो करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है मोटर के रोटर में. ओके, लेकिन जो दूसरे तरह का टॉर्क है विच इज रिलक्टेंस टॉर्क, ये सिर्फ और सिर्फ सैलियन पोल टाइप रोटर में ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सैलियन पोल टाइप रोटर में रिलक्टेंस वेरिएबल होता है. तो इसके सामने आप मार्क करके लिखेंगे बिकॉज ऑफ सैलियन पोल रोटर, क्योंकि रिलक्टेंस टॉर्क सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में प्रोड्यूस नहीं होता है. यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम ये बात करते हैं कि रिलक्टेंस टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का कितना योगदान होता है फुल टॉर्क में. यदि हम ये कहें कि सैलिएंट पोल मोटर फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा हो, तो इसके 100% टॉर्क में रिलक्टेंस टॉर्क का योगदान लगभग 20-25% होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का योगदान लगभग 75-80% होता है. ओके, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि हम इसके फील्ड करंट को जीरो कर दें तो क्या होगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि हम इसके फील्ड करंट को जीरो कर दें, तो मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप नहीं होगा. यानी कि सैलिएंट पोल मोटर में सिर्फ और सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होगा. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसके फील्ड करंट को जीरो कर दें, तो मोटर में फुल टॉर्क का लगभग 1/4 ही इसमें डेवलप होगा. तो अब आपको ये ध्यान देना है कि इस मोटर में किस तरह का लोड कनेक्टेड है. तो यहाँ से देखिए कि इस सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में जो डेवलप टॉर्क है वो है 25% ऑफ फुल लोड. तो हमें इसमें जो लोड को कनेक्ट करना चाहिए, उस लोड का टॉर्क भी फुल लोड का 25% ही होना चाहिए. यहाँ पर आप लिखेंगे TL, यानी कि लोड टॉर्क. तो डेवलप टॉर्क यदि 25% हो, तो उसमें जो हम लोड कनेक्ट करने वाले हैं वो भी अराउंड 25% ही होना चाहिए. यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रन करती हुई नजर आएगी. यानी कि इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही इसकी स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा. ओके, लेकिन यदि हम ऐसा करें कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड करंट को हमने जीरो तो कर दिया और उसके बाद भी
मोटर में यदि हम फुल लोड को कनेक्ट करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि फील्ड करंट के जीरो होने की वजह से सिंक्रोनस मोटर में बहुत ही कम टॉर्क डेवलप हो रहा है, विच इज अराउंड 25% ऑफ फुल लोड टॉर्क। लेकिन यदि हम इसमें फुल लोड को कनेक्ट करेंगे तो ये मोटर ओवरलोड हो जाएगा, और जब यह मोटर ओवरलोड हो जाएगा तो वैसे केस में इट विल स्टॉप रनिंग, यानी कि यह मोटर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकला कि यदि सैलियन पोल सिंक्रोनस मोटर में फील्ड करंट को हमने जीरो किया तो जो इसमें डेवलप होने वाला टॉर्क था वो फुल लोड का 1/4 ही डेवलप होगा। ओके, उसके बाद अब आते हैं हम लोड पे। जब इसका डेवलप टॉर्क ही 1/4 हो गया तो हमें इसमें जो लोड कनेक्ट करना चाहिए वो भी 1/4 ऑफ फुल लोड कनेक्ट करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये कंटिन्यू टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट 1/4 ऑफ फुल लोड। ये पहले से ही 1/4 ऑफ फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है तो यह मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड पे सेम डायरेक्शन में रन करती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यदि क्वेश्चन में यहाँ पे 1/4 ऑफ फुल लोड नहीं होता, यहाँ पे ये गिवन होता कि सैलियन पोल सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड, और उसके बाद यदि हम इसके फील्ड करंट को जीरो करते तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यह मोटर ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने के कारण इट विल स्टॉप रनिंग, यानी कि वैसे केस में ऑप्शन डी होता करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। ये कहता है अ 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू एंड इज ड्रिवन बाय 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर, देन द नंबर ऑफ पोल्स इन अ सिंक्रोनस मोटर आर व्हाट। तो इस क्वेश्चन में दो मशीन गिवन है, फर्स्ट वन इज अल्टरनेटर यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर, और दूसरा है सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि यह अल्टरनेटर और यह सिंक्रोनस मोटर दोनों एक दूसरे से कपल्ड हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज सिंक्रोनस जनरेटर एंड दिस वन इज सिंक्रोनस मोटर। सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम लिखते हैं। तो इसके लिए गिवन है नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 10 एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ इज 25 हर्ट्ज। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी सिंक्रोनस स्पीड, ns विल बी इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। यहां से आप इसे कैलकुलेट करेंगे 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10 तो आपको आएगा 300 rpm। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जनरेटर 300 rpm पे रन करने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिंक्रोनस जनरेटर और यह सिंक्रोनस मोटर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कपल्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर का शाफ्ट है वो सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट से कपल्ड है, तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया। नाउ जैसा कि हमें अभी पता चला है कि इस सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड 300 rpm है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ns इज इक्वल टू 300 rpm। चूंकि इस जनरेटर का शाफ्ट 300 rpm से रोटेट कर रही है और इस सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट भी जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो इसलिए इस मोटर का शाफ्ट भी 300 rpm पे रन करेगी। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनस मोटर जब इस जनरेटर के साथ कपल्ड हुआ तो 300 rpm पे रन करने वाला है। चूंकि यह मोटर सिंक्रोनस मोटर है तो इसलिए जो इसकी स्पीड होगी वो इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड होगी। ओके, तो अब हमें पता चल चुका है कि सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 300 rpm है, और क्वेश्चन में गिवन है कि मोटर की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 60 हर्ज है, तो यहाँ से हम मोटर में मौजूद नंबर ऑफ पोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ पोल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे ns इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। यहाँ पे ns हो जाएगा 300 rpm, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 60 हर्ज, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ पोल्स को फाइंड आउट करिएगा विच विल बी इक्वल टू 24। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में गिवन है 24 पोल्स, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है फॉर वी कर्व्स फॉर अ सिंक्रोनस मोटर द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी कि ये सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व के बारे में पूछा है कि वी कर्व किन दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ से आप देखिए, दिस इज वी कर्व जिसमें वाई एक्सिस पे हम आर्मेचर करंट को शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे एक्साइटेशन को शो करते हैं। यहाँ पर एक्साइटेशन ई इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई एफ इंटू एन होता है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्साइटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि फील्ड वाइंडिंग में प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट का। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्साइटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि वी कर्व किन दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ किया जाता है तो आप कहेंगे कि वी कर्व इज ड्रॉन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड एक्साइटेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वी कर्व इज ड्रॉन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड फ्लक्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वी कर्व इज ड्रॉन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। ओके, तो अब आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन बी में गिवन है वी कर्व इज ड्रॉन बिटवीन फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। ये कहता है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन लार्ज अल्टरनेटर्स मेनली टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लार्ज अल्टरनेटर में जो हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी मशीन होती हैं सब में कुछ न कुछ पावर लॉस होता है जिसकी वजह से मशीन का टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसे कूल करने की हमें जरूरत पड़ती है। यदि हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में होती है। यदि हम इसके वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी किलो वोल्ट में होता है या फिर स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में वोल्ट में होता है। यदि हम इसके वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की बात करें तो वो भी या तो 100 एम्पीयर में होते हैं या फिर ये 1000 एम्पीयर में होते हैं यानी कि किलो एम्पीयर में होते हैं। तो इतना हाई करंट यदि किसी वाइंडिंग में फ्लो करे तो जाहिर सी बात है उसमें पावर लॉस होते हैं और इस पावर लॉस होने की वजह से मशीन हमारा हीटअप हो जाता है जिसे हमें कूल करने की जरूरत होती है। तो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के लिए हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज करते हैं। सेम उसी तरह यदि हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो इसके आर्मेचर करंट भी किलो एम्पियर में होते हैं। तो इस हाई वैल्यू ऑफ करंट की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में पावर लॉस होता है जिसकी वजह से हमारा मशीन हीट अप हो जाता है। तो इसीलिए इस मशीन को कूल करने की जरूरत होती है। तो इसी कूलिंग पर्पस के लिए लार्ज अल्टरनेटर्स में हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ आप ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सी में गिवन है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू कूल द मशीन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अल्टरनेटर्स वर्किंग इन पैरेलल। इसका कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा कंडीशन मैंडेटरी नहीं है अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो अब आप ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन ए में गिवन है द अल्टरनेटर्स मस्ट हैव द सेम फेज सीक्वेंस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए अल्टरनेटर्स का सेम फेज सीक्वेंस होना मस्ट है, सो दिस कंडीशन इज मैंडेटरी। ऑप्शन बी में गिवन है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इच मशीन मस्ट बी द सेम। यस, दिस कंडीशन इज ऑल्सो मैंडेटरी। ऑप्शन सी में गिवन है द मशीन्स मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग। दिस कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी। यदि अल्टरनेटर्स का केवीए रेटिंग इक्वल है तो भी हम उसे पैरेलल ऑपरेशन के लिए चूज कर सकते हैं। यदि उनका केवीए रेटिंग इक्वल नहीं है तो भी हम उसे पैरेलल ऑपरेशन के लिए चूज कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटर्स का इक्वल केवीए रेटिंग होना मस्ट नहीं है। ओके, दिस कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी, सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। अब आप लास्ट ऑप्शंस भी देख लीजिए। लास्ट ऑप्शन में गिवन है द अल्टरनेटर्स मस्ट ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। यस, दिस कंडीशन इज मैंडेटरी। तो इसमें से ऑप्शन सी है जो कि मैंडेटरी नहीं है,
सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56. ये कहता है इफ द एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद अदर अल्टरनेटर इज इंक्रीज अबव द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन देन इट्स पावर फैक्टर बिकम व्हाट. यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक अल्टरनेटर दूसरे अल्टरनेटर के साथ पैरेलल ऑपरेट कर रहा हो और यदि हम इस अल्टरनेटर के एक्साइटेशन को नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज कराएं तो उसका पावर फैक्टर कैसा होगा, या फिर उसका आउटपुट करंट कैसा होगा, या फिर उसका किलोवाट रेटिंग कैसा होगा. ओके तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर का नेचर कैसा है, लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी पावर फैक्टर, उसे जानने के लिए हम देखते हैं इन्वर्टेड वी कर्व. दिस इज इन्वर्टेड वी कर्व जो कि ड्रॉ किया जाता है बिटवीन पावर फैक्टर एंड एक्साइटेशन. यहाँ पर इसका होगा नॉमिनल एक्साइटेशन, इसे हम इनोट से डिनोट करते हैं. यदि हम अल्टरनेटर की बात करें तो अंडर एक्साइटेड मोड में इसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है, जबकि ओवर एक्साइटेड मोड में इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है. दिस रीजन इज अंडर एक्साइटेड एंड दिस वन इज ओवर एक्साइटेड. यदि हम नॉमिनल एक्साइटेशन की बात करें तो इस एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर होगा वो होगा यूनिटी, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर एट ई नॉट. ओके तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्टरनेटर का पावर फैक्टर नॉर्मल वैल्यू से यानी कि नॉमिनल वैल्यू से इंक्रीज किया गया है, तो हमें बताना है कि इसका पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा. तो इन्वर्टेड वी कर्व से आप ये देख सकते हैं कि जब हम अल्टरनेटर का एक्साइटेशन नॉमिनल वैल्यू से इंक्रीज कराएंगे तो उसका पावर फैक्टर हो जाएगा लैगिंग. तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में गिवन है पावर फैक्टर बिकम्स मोर लैगिंग, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके और यदि आप आउटपुट करंट के बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वी कर्व ऑफ अल्टरनेटर. जब आप वी कर्व को ड्रॉ करिएगा और फिर आप देखिएगा कि यदि हम अल्टरनेटर का एक्साइटेशन इंक्रीज कराते हैं नॉमिनल वैल्यू से तो उसका आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम वी कर्व वी कैन से दैट आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, जबकि ऑप्शन सी में गिवेन है आउटपुट करंट डिक्रीजेस विच इज रॉन्ग. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57. ये कहता है इन एन अल्टरनेटर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मिनिमम एट व्हाट पावर फैक्टर. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोड का पावर फैक्टर अल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस क्वेश्चन के जरिए हमें ये बताना है कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट किस पावर फैक्टर पे मिनिमम होगा. ओके तो अब हम अल्टरनेटर में होने वाले आर्मेचर रिएक्शन के कुछ केसेस को देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. पहले केस में आप देखिए कि जब लोड का पावर फैक्टर यूनिटी हो, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कैसा होता है, तो इसके बारे में आप नोट करिएगा कि एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड आर्मेचर रिएक्शन विल बी प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. This will be purely cross magnetizing. यहाँ purely cross magnetizing कहने का मतलब है यदि field का flux phi f इस direction में हो तो armature flux phi a इसके 90 degree पे होगा. ओके अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जेड पी एफ लीड, यानी कि जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में आर्मेचर रिएक्शन विल बी प्योरली मैग्नेटाइजिंग. और यहाँ पे प्योरली मैग्नेटाइजिंग कहने का मतलब है यदि फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा तो आर्मेचर फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स बोथ विल बी एडिटिव. तो यदि आप रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई एफ विल बी मच ग्रेटर देन फाई एफ. फील्ड फ्लक्स से रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा. यदि हम तीसरे केस की बात करें तो इसमें आप लिखिएगा जेड पी एफ लैग, यानी कि लोड जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का हो तो इसके लिए आर्मेचर रिएक्शन विल बी प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग. जेड पी एफ लैग के केस में आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है. डीमैग्नेटाइजिंग कहने का मतलब ये है यदि फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में हो तो आर्मेचर का फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगा. और यदि हम रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करें तो रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी लेस देन फील्ड फ्लक्स.
तो अब आप इन तीनों केस में देखिए कि जब प्योरली मैग्नेटाइजिंग या फिर प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग का केस हो तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, जबकि यूनिटी पावर फैक्टर के केस में फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के परपेंडिकुलर होने के कारण इसका इफेक्ट मिनिमम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट मिनिमम होता है यूनिटी पावर फैक्टर के केस में, जबकि मैक्सिमम होता है ZPF लीड या फिर ZPF लैग के केस में। ओके, तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मिनिमम एट पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है टर्बो अल्टरनेटर्स हैव रोटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर के बारे में हमें बताना है कि उसका डायमीटर और एक्सियल लेंथ कैसा होता है, स्मॉल होता है या फिर लॉन्ग होता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप टर्बो अल्टरनेटर के बारे में दो पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट आप इसके बारे में ये लिखिए कि टर्बो अल्टरनेटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ TPP, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में टर्बो अल्टरनेटर यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल NTPC में। ओके, दूसरा पॉइंट आप इसके बारे में लिखिएगा कि टर्बो अल्टरनेटर बेस्ट ऑपरेट्स एट हाई स्पीड, यानी कि इसका बेस्ट ऑपरेशन होता है हाई स्पीड पे। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेटर है, इसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, सो हम लिखेंगे NS विल बी इक्वल टू 120 F/P। यदि हम इंडिया की बात करें तो हमें 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई की जरूरत होती है, तो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी F हमारा कांस्टेंट हो गया 50 हर्ज। यदि हम अल्टरनेटर की स्पीड ज्यादा चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पोल्स इज 2 और 4, तो 2 या 4 नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट अगर हो तो ऐसे केस में आप सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर यूज करेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि टर्बो अल्टरनेटर ऑपरेट करती है हाई स्पीड पे, और हाई स्पीड पे ऑपरेट करने के लिए इसमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हम टर्बो अल्टरनेटर में सिलेंड्रिकल टाइप रोटर यूज करते हैं, यानी कि टर्बो अल्टरनेटर के जो पोल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल रोटर पे होते हैं, और इस टाइप के पोल को नॉन सैलिएंट टाइप पोल भी कहते हैं। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जब इसमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है तो जाहिर सी बात है जो भी रोटर होगा इसका डायमीटर स्मॉल होगा, और जब डायमीटर ऑफ रोटर की वैल्यू स्मॉल हो तो उसका एक्सियल लेंथ ज्यादा होता है टू मेंटेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ओके, तो यहां से आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि टर्बो अल्टरनेटर में चूंकि नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं तो इसलिए रोटर का डायमीटर तो कम होता ही है, और साथ ही उसका एक्सियल लेंथ ज्यादा होता है क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्लक्स को मेंटेन रखना होता है। ओके, तो आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि टर्बो अल्टरनेटर्स हैव रोटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से आप ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में गिवन है रोटर्स ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। तो टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का डायमीटर स्मॉल होता है जबकि एक्सियल लेंथ ज्यादा होता है। ओके, और यदि पूछे कि टर्बो अल्टरनेटर में किस तरह का रोटर यूज होता है तो आप बताइएगा सिलेंड्रिकल रोटर यूज होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रो अल्टरनेटर के बारे में। ओके, तो फिलहाल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। ये कहता है अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड बाय यूटिलाइजिंग द टॉर्क डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3-phase सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और ये सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग इसमें डेवलप टॉर्क 0 होता है। तो इसीलिए हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर में डैम्पर वाइंडिंग को प्लेस्ड करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में डैम्पर वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है और इसकी वजह से मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। ओके, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि 3-phase सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क किसकी वजह से डेवलप होता है,
तो हम आंसर करेंगे डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है अल्टरनेटर्स आर यूजुअली डिजाइन टू जनरेट विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेज, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड करंट एंड फिक्स्ड पावर फैक्टर। तो यहाँ से फिक्स्ड करंट तो नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटर का आउटपुट करंट डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का लोड और कितना लोड कनेक्टेड है। ऑप्शन डी में जो गिवन है फिक्स्ड पावर फैक्टर, ये भी डिपेंड करता है कि अल्टरनेटर से किस तरह का लोड कनेक्टेड है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब हम अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या फिर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आप एक रिलेशन देखिए, सिंक्रोनस स्पीड विल बी इक्वल टू 120 f/p। किसी जनरेटिंग स्टेशन में जो अल्टरनेटर लगा हुआ है उसकी स्पीड तो फिक्स है और उसमें नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स हैं। तो अल्टरनेटर जो एसी वोल्टेज जनरेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होगी, यानी कि कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला एसी वोल्टेज ये जनरेट करेगा। ओके और यदि हम कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में देखें तो जो हमारा लोड होता है उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप अपने घर के फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर या अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की नेम प्लेट रेटिंग को आप देखिएगा तो उसमें वोल्टेज रेटिंग भी गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी रेटिंग भी गिवन होता है। तो वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी रेटिंग में मिलेगा 50 Hz प्लस माइनस सम वैल्यू। ओके यदि आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को पढ़ें, यानी कि IE रूल्स को पढ़ें, तो इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन प्लस माइनस 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी सप्लाई आपके घरों में आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 48.5 Hz से 51.5 Hz तक हो सकती है। ओके तो जनरेटिंग स्टेशन में हमारी कोशिश यही होती है कि अल्टरनेटर की स्पीड को हम कांस्टेंट रख सकें, जिसकी वजह से हमें 50 हर्ज का सप्लाई मिलता रहे। ओके तो आते हैं अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए में गिवन है विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही थोड़ा लेंथी भी है, तो इसे हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके लेकिन यदि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 425 kW, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62। ये कहता है 3 lamps आर इन सर्किट एज शोन इन फिगर, एट व्हाट कंडीशन 100 W लैम्प विल हैव द मैक्सिमम ब्राइटनेस। ओके यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि इस सर्किट में 3 lamp कनेक्टेड हैं। लैम्प 1 इज 40 W लैम्प, लैम्प 2 इज 100 W लैम्प एंड लैम्प 3 इज 40 W लैम्प। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ये जो 100 W का लैम्प है इसमें मैक्सिमम ब्राइटनेस लाने के लिए कौन सा सुटेबल कंडीशन होगा। इस सर्किट में मौजूद 3 स्विच K1, K2 और K3, यानी कि इन तीनों में से किस स्विच को हम ओपन रखेंगे और किसे हम क्लोज रखेंगे। ओके तो यहाँ से आप देखिए कि 100 W लैम्प में मैक्सिमम ब्राइटनेस होने के लिए इस बल्ब का I²R लॉस मैक्सिमम होना चाहिए। यदि हम किसी पर्टिकुलर बल्ब की बात करें तो उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो तो कांस्टेंट होगा, यानी कि इस 100 W वाले बल्ब का इंटरनल रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होने वाला है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि इसका I²R मैक्सिमम हो तो उसके लिए हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि इस 100 W वाले बल्ब में जो करंट I फ्लो करेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो यहाँ से हमें ये पता चला यदि 100 W वाले बल्ब में मैक्सिमम ब्राइटनेस लाना हो तो उसके लिए I²R को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, जिसके लिए इस 100 W वाले बल्ब में मैक्सिमम करंट फ्लो हो, यानी कि इसमें फ्लो होने वाले करंट I की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो चलिए इसके लिए हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब इस नोड पर ध्यान दीजिए, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो
दो सेक्शन में डिवाइड हुआ है, एक 100 वाट वाले बल्ब की तरफ और दूसरा 40 वाट वाले बल्ब की तरफ। ओके, यानी कि इस पॉइंट पर इस नोड से करंट का डिवीजन हुआ है। यदि हम स्विच K1 को ओपन कर दें तो इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से सोर्स से जो करंट I1 आएगा वो इस नोड के बाद डिवाइड नहीं होगा और ये करंट डायरेक्ट इस 100 वाट वाले बल्ब से होकर गुजरेगा। तो यहाँ से हमें समझ में ये आया कि यदि हम K1 स्विच को ओपन कर दें तो 100 वाट वाले बल्ब में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ओके, तो एक स्विच की कंडीशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि K1 शुड बी ओपन। तो अब हम बात करते हैं स्विच K2 और K3 के बारे में। तो ध्यान से देखिए इसको, यदि हम स्विच K3 को क्लोज कर दें तो इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 वाट वाले बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस और 40 वाट वाले बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये करंट I1 घट जाएगा। लेकिन यदि हम स्विच K3 को ओपन रखें और स्विच K2 को क्लोज कर दें तो इसकी वजह से इस लूप में सिर्फ 100 वाट वाले बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और जो कि कम होगा, इसलिए करंट I1 की वैल्यू ज्यादा होगी और इस कंडीशन में 100 वाट वाले बल्ब से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, या फिर हम ये कहें कि 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कंडीशन, K1 शुड बी ओपन, स्विच K2 शुड बी क्लोज और स्विच K3 शुड बी ओपन। ओके, तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन डी में गिवन है कि K1 इज ओपन, K2 इज क्लोज एंड K3 इज ओपन। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 61 के ही सिमिलर है, तो इस वीडियो के लास्ट में जब मैं क्वेश्चन नंबर 61 को डिस्कस करूंगा तो उसके बाद इस क्वेश्चन को भी वहां पे डिस्कस कर लूंगा। ओके, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, यदि आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ये कहता है अल्टरनेटर यूज्ड इन हाइडल पावर स्टेशन हैज मोर नंबर ऑफ पोल्स इन इट देन दैट यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब कि हाइडल पावर स्टेशन में जो हम अल्टरनेटर यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्टरनेटर जो हम यूज करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में। तो हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू थर्मल पावर स्टेशन के केस में। ओके, तो इसके लिए आप पॉइंट लिखिए समथिंग अबाउट हाइड्रो अल्टरनेटर। हाइड्रो अल्टरनेटर के केस में आप लिखिएगा कि बेस्ट ऑपरेट्स एट लो स्पीड। जैसा कि मैं आपको बताया था कि टर्बो अल्टरनेटर का बेस्ट ऑपरेशन हाई स्पीड पे होता है, ठीक उसी तरह हाइड्रो अल्टरनेटर का बेस्ट ऑपरेशन लो स्पीड पे होता है। ओके, तो यहां से आप लिखेंगे कि NS इज इक्वल टू 120 F/P। यदि हम हाइड्रो अल्टरनेटर की स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड कम होगी, लो स्पीड होगी, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जबकि टर्बो अल्टरनेटर में हमने देखा था कि उसकी सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट कम होती थी। यहां से आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाइडल पावर स्टेशन में जो अल्टरनेटर यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा क्यों होते हैं। तो उसका रीजन यही है कि नंबर ऑफ पोल्स इसमें ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। ओके, तो आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन सी में गिवन है स्पीड ऑफ इट्स प्राइम मूवर इज लेस, सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हाइड्रो अल्टरनेटर के बारे में कुछ और पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। एज नंबर ऑफ पोल्स इज मोर सो सैलियंट पोल रोटर इज यूज्ड। तो हाइड्रो अल्टरनेटर में किस तरह का रोटर होता है, ये होता है सैलियंट पोल टाइप, जबकि टर्बो अल्टरनेटर में सिलिंड्रिकल रोटर होता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिए कि एज नंबर ऑफ पोल्स इज लार्ज सो डायमीटर ऑफ
rotor is also large, but to maintain a specific value of flux, its axial length is small. तो यदि आपको हाइड्रो अल्टरनेटर के डायमीटर और एक्सियल लेंथ के बारे में पूछे, तो आप कहेंगे कि इसके रोटर का डायमीटर ज्यादा होता है और इसका एक्सियल लेंथ स्मॉल होता है. ओके तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 65 ये कहता है द पिच फैक्टर फॉर अ फुल पिच्ड वाइंडिंग ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज व्हाट. यानी कि सिंक्रोनस मशीन में यदि हम फुल पिच्ड वाइंडिंग यूज करें तो उसका पिच फैक्टर क्या होगा. ओके तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फुल पिच्ड वाइंडिंग होता क्या है. यदि आप नोट करना चाहें तो आप लिखेंगे कि फुल पिच्ड वाइंडिंग मीन्स एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड्स ऑफ अ कॉइल इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. कहने का मतलब यदि यह एक कॉइल हो तो इसके दो कॉइल साइड्स, सपोज दिस इज कॉइल साइड ए एंड दिस वन इज कॉइल साइड ए डैश, ये दोनों कॉइल साइड्स के बीच का एंगुलर डिस्टेंस 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो. यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखना मत भूलना, क्योंकि मशीन में दो तरह के एंगल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एंगल और दूसरा होता है मैकेनिकल एंगल. तो फुल पिच्ड वाइंडिंग का मतलब है कि दोनों कॉइल साइड्स के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वो होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. दिस इज स्टेटर एंड दिस वन इज स्लॉट, दिस इज अनदर स्लॉट, दिस वन इज अनदर स्लॉट. तो यदि इस वाइंडिंग का कॉइल साइड ए इस स्लॉट में डाला गया है तो कॉइल साइड ए डैश इसके 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस पे रखा जाएगा. तो इसलिए हमने कॉइल साइड ए डैश को इस स्लॉट में डाला. ओके यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि दिस इज टू पोल मशीन. तो हम फुल पिच्ड वाइंडिंग के लिए कॉइल साइड ए को यदि हम इस स्लॉट में डालें तो कॉइल साइड ए डैश को यहाँ पे डालना पड़ता है. ओके यदि हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात करें तो उसमें कॉइल स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होता है. यानी कि यदि हम कॉइल साइड ए को इस स्लॉट में डालें तो कॉइल साइड ए डैश को 180 डिग्री से कम एंगल पे रखना पड़ेगा, यानी कि हमें इस स्लॉट में डालना पड़ेगा. ओके तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के केस में कॉइल स्पैन 180 डिग्री से जितने एंगल से कम होगा इस एंगल को हम कहते हैं कॉर्डिंग एंगल. और इसे यदि हम डिनोट करें रो से तो रो विल बी कॉर्डिंग एंगल. तो यहां से हम कहते हैं कि पिच फैक्टर इक्वल टू के डी विल बी इक्वल टू कॉस रो बाय 2. ओके लेकिन इस क्वेश्चन में फुल पिच्ड वाइंडिंग की बात किया गया है, इसका मतलब कॉर्डिंग एंगल विल बी 0. तो आप लिखिए कि फुल पिच्ड वाइंडिंग के केस में कॉर्डिंग एंगल रो विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए जो पिच फैक्टर होगा KP वो होगा कॉस 0/2 यानी कि 1. ओके तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन डी में गिवन है 1, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है कि द EMF इंड्यूस्ड पर फेज इन अ 3-phase स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर हैविंग द फॉलोइंग डेटा. और डेटा गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी कि KD की वैल्यू है 0.995, कॉइल स्पैन फैक्टर यानी कि पिच फैक्टर की वैल्यू है 0.966, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 Hz, फ्लक्स पर पोल यानी कि phi की वैल्यू है 25 mWb, टर्न्स पर फेज गिवन है 240. तो हमें EMF पर फेज फाइंड आउट करना है. ओके तो सबसे पहले हम डेटा को नोट डाउन कर लेते हैं. गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD विल बी इक्वल टू 0.995. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि जो वाइंडिंग होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है पिच फैक्टर के बारे में. KP इज इक्वल टू 0.966. KP की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि जो वाइंडिंग होगा वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगा. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग. नेक्स्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 Hz, आप इसे लिख लीजिए 50 Hz. फ्लक्स पर पोल गिवन है phi m की वैल्यू 25 mWb यानी कि 25×10⁻³ वेबर. टर्न्स पर फेज यानी कि n फेज गिवन है 240.
तो हमसे पूछा है कि आप ईएमएफ पर फेज फाइंड आउट करिए। तो जैसा कि हम जानते हैं ईएमएफ पर फेज ई इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ इंटू फाई एम इंटू एन फेज इंटू के डब्ल्यू। यहां पर के डब्ल्यू का मतलब है वाइंडिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर मल्टीप्लीकेशन विथ पिच फैक्टर के पी। जब आप इस इक्वेशन में सारे डेटा को पुट करेंगे तब आपको आंसर आएगा E will be equal to 1281 volt। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो EMF find out हुआ है ये है EMF per phase। चूंकि इस क्वेश्चन में थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर गिवन है तो यदि हमसे ये पूछता कि आप लाइन वोल्टेज फाइंड आउट करिए तो इस ई में हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता ई लाइन। ओके, लेकिन इसने ईएमएफ पर फेज पूछा है तो इसका आंसर होगा 1281 वोल्ट। तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन बी में 1228 वोल्ट है। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा बट फिर भी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। ये कहता है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर मे बी नेगेटिव वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमें नेगेटिव कहाँ मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम अल्टरनेटर का पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज आर ए यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज जे एक्स एस यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस। यहाँ पे एक वोल्टेज होगा विच इज ई यानी कि एक्साइटेशन वोल्टेज। दिस वन इज टर्मिनल वोल्टेज वी। ये हमारा पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो यदि इस अल्टरनेटर से हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है यानी कि यदि अल्टरनेटर हमारा नो लोड पे है तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट होगा जीरो, जिसकी वजह से आर्मेचर रेसिस्टेंस या फिर सिंक्रोनस रिएक्टेंस में किसी भी तरह का ड्रॉप नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वी एट नो लोड दिस विल बी इक्वल टू ई यानी कि एक्साइटेशन ईएमएफ के बराबर होगा यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज। तो इसीलिए हम एक्साइटेशन वोल्टेज को नो लोड वोल्टेज भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम दूसरा केस लेते हैं। जब हम इस अल्टरनेटर से किसी लोड को कनेक्ट करेंगे यदि यह लोड फुल लोड हो तो जो टर्मिनल का वोल्टेज आएगा V वो कहलाएगा फुल लोड वोल्टेज, जिसे हम लिख सकते हैं VFL यानी कि फुल लोड वोल्टेज। तो अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। यानी कि इस टर्मिनल पर का हम वोल्टेज ऑब्जर्व करते हैं जब कोई लोड कनेक्टेड ना हो यानी कि अल्टरनेटर हमारा नो लोड पे हो, और फिर हम इसी टर्मिनल पर का वोल्टेज ऑब्जर्व करते हैं जब इस अल्टरनेटर से फुल लोड कनेक्टेड हो। तो हम वोल्टेज रेगुलेशन में लिख सकते हैं वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड। जैसा कि हमने अभी देखा कि नो लोड वोल्टेज एक्साइटेशन ईएमएफ के बराबर होता है, तो हम वोल्टेज रेगुलेशन को लिखेंगे ई माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। यहाँ पर हम फुल लोड वोल्टेज को सिर्फ वी से डिनोट कर लेते हैं तो ई माइनस वी अपॉन वी विल बी वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, यदि आप इसे परसेंटेज में शो करना चाहते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ई और वी ये दोनों पर फेज वैल्यू हैं। यहाँ पर कोई भी लाइन वोल्टेज नहीं है और ई की वैल्यू होती है रूट टू पाई एफ फाई एम इंटू एन फेज, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था वो होगा नो लोड वोल्टेज, और फुल लोड वोल्टेज होगा जो इस जनरेटर का रेटेड वोल्टेज होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के नेगेटिव होने के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव तभी होगा जब एक्साइटेशन ईएमएफ यानी कि ई की वैल्यू वी से कम हो। ओके,
तो आप लिखिएगा कि फॉर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन एक्साइटेशन ईएमएफ विल बी लेस देन फुल लोड वोल्टेज, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उससे एक्साइटेशन वोल्टेज कम होना चाहिए फॉर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो यहां से यदि आपसे ये पूछे कि फॉर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि जब इसका एक्साइटेशन टर्मिनल वोल्टेज से कम हो तो इसका मतलब है कि यह अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट कर रहा हो। तो यहां से आप लिख सकते हैं अंडर एक्साइटेड मोड। लेकिन यदि आपको पावर फैक्टर के रूप में आंसर पूछे कि किस पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा, तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अल्टरनेटर को अंडर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट करना पड़ेगा, और अंडर एक्साइटेड मोड में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एट लीडिंग पावर फैक्टर अल्टरनेटर का एक्साइटेशन लेस देन रेटेड वोल्टेज होगा, जिसकी वजह से अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन बी में गिवन है द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, यदि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में पावर फैक्टर गिवन नहीं होता, आपसे ये पूछता कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होने के लिए इसे किस एक्साइटेशन पे ऑपरेट करना चाहिए, तो आप अंडर एक्साइटेड मोड को मार्क करते। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 ये कहता है वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कॉजेज वेरिएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के डीसी एक्साइटेशन में वेरिएशन होने की वजह से इनमें से क्या है जो वेरी करेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व एंड सिंक्रोनस मोटर का इन्वर्टेड वी कर्व, वी कर्व में ये होता है आर्मेचर करंट और इन्वर्टेड वी कर्व में ये होता है पावर फैक्टर। यदि हम डीसी एक्साइटेशन को वेरी कराएं, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू वेरी करती है, और यहां से आप देख सकते हैं कि एक्साइटेशन के वेरी कराने से पावर फैक्टर वेरी करता है। तो अब इसके ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन बी में गिवन है पावर फैक्टर और ऑप्शन सी में गिवन है आर्मेचर करंट। तो यस, डीसी एक्साइटेशन के वेरी करने से पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों वेरी करेगा, सो ऑप्शन डी यानी कि बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम आर्मेचर करंट की बात किया गया है। तो आप सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व को देखिए, यहां से आप ये कह पाएंगे कि दिस इज मिनिमम आर्मेचर करंट जो कि हमें मिलता है नॉमिनल एक्साइटेशन पे ई नॉट पर, और ई नॉट पे जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है यूनिटी। तो हम कहेंगे कि मिनिमम आर्मेचर करंट हमें मिलता है यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन डी में गिवन है यूनिटी पावर फैक्टर, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 ये कहता है हाई स्पीड अल्टरनेटर्स यूजुअली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रोटर्स। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाई स्पीड अल्टरनेटर कहने का मतलब टर्बो अल्टरनेटर जो कि थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, इसकी स्पीड हाई होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, और इसीलिए हम सिलिंड्रिकल रोटर यूज करते हैं। ओके, जबकि लो स्पीड अल्टरनेटर हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है, इसमें स्पीड के कम होने की वजह से नंबर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और इसीलिए हम इसमें सेलियन पोल रोटर यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में गिवन है सिलिंड्रिकल रोटर, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 ये कहता है जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर एन अल्टरनेटर इज जनरली यूज टू डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जीरो पावर फैक्टर मेथड को हम शॉर्ट में ZPF मेथड भी कहते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। यह मेथड अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है दिस मेथड इज यूज टू डिटरमिन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर, सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं कि अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करने के लिए ZPF मेथड के अलावा और भी मेथड्स हैं। यदि आप उसे नोट डाउन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड है ASA मेथड, थर्ड मेथड है MMF मेथड, फोर्थ है EMF मेथड। फिर आप MMF मेथड और EMF मेथड इन दोनों के सामने लिखिएगा ओनली फॉर सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, क्योंकि ये दोनों मेथड सेलियन पोल रोटर जनरेटर में यूज नहीं किए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर में ही यूज किए जाते हैं, जबकि ZPF मेथड और ASA मेथड ये सिलेंड्रिकल रोटर वाले में भी यूज होता है और सेलियन पोल रोटर वाले में भी यूज होता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 ये कहता है कि टू अल्टरनेटर्स ए एंड बी आर शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली, व्हाट विल हैपन व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड। यानी कि इसका कहने का मतलब कि एक अल्टरनेटर अल्टरनेटर ए और दूसरा अल्टरनेटर अल्टरनेटर बी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और किसी लोड को शेयर कर रहे हैं, यानी कि इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक लोड कनेक्टेड है। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वी है और अल्टरनेटर का आर्मेचर करंट आई ए है, अल्टरनेटर बी का आर्मेचर करंट आई बी है। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि अल्टरनेटर ए का एक्साइटेशन हम इंक्रीज कर दें, तो जैसा कि हमें अल्टरनेटर के वी कर्व से पता चलता है कि यदि हम एक्साइटेशन को नॉमिनल वैल्यू से इंक्रीज कराएं तो एक्साइटेशन के इंक्रीज कराने से आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम अल्टरनेटर ए का एक्साइटेशन इंक्रीज कराएंगे नॉर्मल वैल्यू से, जब हम इसे ज्यादा करते हैं तो इसके आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन एक्साइटेशन ऑफ ए इज इंक्रीज देन आर्मेचर करंट ऑफ अल्टरनेटर ए विल इंक्रीज, लेकिन लोड तो कांस्टेंट है, यानी कि ये लोड उतना ही पावर ड्रॉ करेगा जितना वो पहले ड्रॉ कर रहा था। इसका मतलब जो लोड का करंट होगा IL, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन लोड इज कांस्टेंट इट मींस IL इज कांस्टेंट, तो IA के बढ़ने से IB की वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ आप लिख लीजिए IA विल इंक्रीज बट IB विल डिक्रीज। ओके, तो अब आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए में गिवन है करंट डिलीवर्ड बाय अल्टरनेटर ए विल इंक्रीज एंड ऑफ बी विल डिक्रीज, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 ये कहता है कि द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज नॉर्मली कनेक्टेड इन स्टार टू एलिमिनेट द हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म। यानी कि इसमें ये पूछा है कि कौन सा हार्मोनिक कंपोनेंट अल्टरनेटर के वोल्टेज वेवफॉर्म से हम एलिमिनेट करते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मोर डोमिनेंट होता है एंड इट मस्ट बी एलिमिनेटेड, सो बाय डूइंग दिस वी एलिमिनेट द थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म। यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 ये कहता है द स्टेटर कोर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज बिल्ट अप ऑफ डैश लेमिनेशंस, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन स्टील, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर डिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक अल्टरनेटर कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट से ड्राइव किया जा रहा है, तो उसके पावर फैक्टर को चेंज करने के लिए हम इनमें से किसे चेंज करेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा फील्ड एक्साइटेशन। हम फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग इन्वर्टेड वी कर्व में देख चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन हमने बीच में दो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन नंबर 63। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 61। ये कहता है अ 300 किलोवाट अल्टरनेटर इज ड्रिवन बाय अ प्राइम मूवर ऑफ स्पीड रेगुलेशन 4% व्हाइल द प्राइम मूवर ऑफ अनदर 200 किलोवाट अल्टरनेटर
has a speed regulation of 3%. When operating in parallel, the total load they can take without any of them being overloaded is what? यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि दो अल्टरनेटर जिसमें एक की रेटिंग है 300 किलोवाट और दूसरे की रेटिंग है 200 किलोवाट, ये दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। साथ ही इसके स्पीड रेगुलेशन के बारे में गिवन है कि पहले अल्टरनेटर का स्पीड रेगुलेशन है 4% और दूसरे अल्टरनेटर का स्पीड रेगुलेशन है 3%। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि जब ये दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड हों और किसी लोड को सप्लाई कर रहे हों, तो आप हमें बताइए कि इस दोनों अल्टरनेटर के कॉम्बिनेशन से टोटल कितना लोड शेयर किया जाएगा। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस दोनों अल्टरनेटर में कोई भी ओवरलोडेड ना हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले आप नोट करिए स्पीड रेगुलेशन। देखते हैं हम स्पीड रेगुलेशन होता क्या है। स्पीड रेगुलेशन विल बी इक्वल टू नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। ओके, यानी कि स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चाहे सिंक्रोनस मोटर हो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो, दोनों एक सिंगल स्पीड पे रन करता है, विच इज सिंक्रोनस स्पीड। ओके, यदि हम सिंक्रोनस मशीन के लोड को वेरी कराएं, फिर भी वह कांस्टेंट स्पीड पर ही रन करती है। यदि आप ऐसा समझते हैं तो दिस इज टोटली रॉन्ग। सिंक्रोनस मशीन के केस में उसकी स्पीड लोड पे डिपेंड करती है, चाहे वो अल्टरनेटर हो या फिर सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों ही केस में लोड वेरी होने से मशीन की ऑपरेटिंग स्पीड भी वेरी होती है। ओके, लेकिन आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि सिंक्रोनस मशीन की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, विच इज सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन ये सिर्फ आइडियल केस में होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ओके, जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि सिंक्रोनस स्पीड विल बी इक्वल टू 120 f/p। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स तो फिक्स हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि अल्टरनेटर की जो स्पीड है वो भी एक कांस्टेंट स्पीड है, जिसकी वजह से आपको जनरेटेड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मिलती है, विच इज कांस्टेंट 50 Hz। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टरनेटर की स्पीड लोड के अकॉर्डिंग वेरी करते रहती है, जिसकी वजह से आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी वेरी करते हुए नजर आता है। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से जो वोल्टेज जनरेट होके आगे ट्रांसमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 Hz प्लस माइनस 3% होती है। यदि आप कहें कि बिल्कुल 50 Hz होती है तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करते रहती है। कभी हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी 49 Hz हो, कभी ये हो सकता है कि 49.5 Hz हो, कभी ये हो सकता है कि 50.6 Hz हो। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी वेरी करते रहती है, क्योंकि अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की स्पीड वेरी करते रहती है अकॉर्डिंग टू द कनेक्टेड लोड। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्पीड रेगुलेशन की। यदि स्पीड रेगुलेशन आपका जीरो है, सपोज स्पीड रेगुलेशन इज जीरो, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटर की नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड बोथ आर इक्वल, और ये दोनों बराबर हैं किसके, सिंक्रोनस स्पीड के। तो वैसे केस में हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रही है। लेकिन यदि स्पीड रेगुलेशन जीरो ना हो तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि नो लोड स्पीड विल नॉट बी इक्वल टू फुल लोड स्पीड, यानी कि नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि नो लोड स्पीड इज सिंक्रोनस स्पीड विच इज NS, लेकिन जब हम इस अल्टरनेटर पे फुल लोड कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम अल्टरनेटर की फुल लोड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगी। ओके, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड रेगुलेशन इज 4% और दूसरे अल्टरनेटर का स्पीड रेगुलेशन है 3%। तो यदि स्पीड रेगुलेशन
प्लस 4% गिवेन हो या फिर प्लस 3% गिवेन हो, ये यही इंडिकेट करता है कि इसकी नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड ये दोनों बराबर नहीं है। और स्पीड रेगुलेशन का पॉजिटिव होना ये इंडिकेट करता है कि नो लोड स्पीड इज ग्रेटर देन फुल लोड स्पीड, यानी कि जब हम अल्टरनेटर को फुल्ली लोडेड करेंगे तो उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घट जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन लोड विल इंक्रीज स्पीड विल गो डाउन, लोड के बढ़ने से अल्टरनेटर की स्पीड घट रही है। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से कि जब अल्टरनेटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घट जाएगी तो जाहिर सी बात है जो जनरेटिंग वोल्टेज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी। तो जी हाँ, आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि लोड के बढ़ने से स्पीड तो घट गई और स्पीड के घटने से जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी घट गई। इट मीन्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ विल बी लेस देन 50 हर्ट्ज। नाउ फ्रीक्वेंसी के घटने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, खुद जनरेटिंग स्टेशन के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। जनरेटिंग स्टेशन के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि वहां पर बहुत सारे अल्टरनेटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और सारे के सारे एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। यदि किसी एक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई तो उस ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए यानी कि पैरेलल ऑपरेशन में रखने के लिए उसका एक मेन कंडीशन ये भी है कि सारे अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दूसरा, मैंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी का कम होना कंज्यूमर के लिए भी प्रॉब्लम है। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पास लोड होते हैं सारे के सारे लोड किसी रेंज की फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करते हैं। जैसा कि इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे वो लगभग 48 हर्ट्ज टू 52 हर्ट्ज तक ऑपरेट करेंगे। ओके, और यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल यानी कि IE रूल्स के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से जो भी पावर सप्लाई किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 58.5 हर्ट्ज से 51.5 हर्ट्ज तक, सॉरी यहाँ पे होगा 48.5 हर्ट्ज से 51.5 हर्ट्ज तक हो सकती है। जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी 51.5 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न ही 48.5 हर्ट्ज से कम होना चाहिए एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। यदि हम जनरेटिंग स्टेशन का लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें और ये भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी घट के 50 हर्ट्ज से बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, लाइक 47 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, तो वैसे केस में इस तरह का सप्लाई हमारे पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें जनरेटिंग स्टेशन में ही इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब लोड इंक्रीज हो जाए तो वैसे केस में अल्टरनेटर की स्पीड ज्यादा कम ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फिनोमिनन बताता हूँ, हंटिंग। ये हंटिंग एक फिनोमिनन है जो कि सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में होता है। इसकी वजह से रोटर की स्पीड कभी सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाती है तो कभी इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होते रहती है। तो हमें इस रोटर की स्पीड का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए हम सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं जो कि इस हंटिंग फिनोमिनन को बहुत हद तक कंपनसेट कर देता है। लेकिन उसके बाद भी हमें स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत होती है तो हम स्पीड गवर्नर लगाते हैं, यानी कि स्पीड गवर्नर मैकेनिज्म की हेल्प से हम रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के आसपास मेंटेन करके रखते हैं ताकि जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी में ज्यादा चेंज ना हो। ओके, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं अब इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। दो अल्टरनेटर है, फर्स्ट अल्टरनेटर की जो रेटिंग गिवन है वो है 300 किलोवाट और इसका जो स्पीड रेगुलेशन है वो गिवन है 4%। यहाँ पर आप लिखिएगा कि स्पीड रेगुलेशन इज 4%, इट मींस फुल लोड स्पीड विल बी इक्वल टू 4% लेस देन नो लोड स्पीड। दूसरा पॉइंट लिखिएगा
कि स्पीड रेगुलेशन इज 4%, सो फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड विल बी इक्वल टू 4% लेस देन फ्रीक्वेंसी एट नो लोड। ठीक उसी तरह दूसरे अल्टरनेटर के बारे में भी लिख लीजिए कि सेकेंड अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो है 200 kW और इसकी स्पीड रेगुलेशन गिवन है 3%। तो इसके सामने भी आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि फुल लोड स्पीड विल बी इक्वल टू 3% लेस देन नो लोड स्पीड, और दूसरा पॉइंट इसके साथ लिखिएगा कि फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड इज इक्वल टू 3% लेस देन फ्रीक्वेंसी एट नो लोड। तो अब आप इसे ड्रॉ करिए, यहाँ पर हम कुछ कर्व को ड्रॉ करेंगे। दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे आप लिखिएगा लोड, लोड इन किलोवाट, और इस साइड भी आप लिखिएगा लोड इन किलोवाट, और इस ओरिजिन पे आप लिखिएगा नो लोड। तो अब आप रेगुलेशन कर्व ड्रॉ करिए। दिस इज प्राइम मूवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर 1 एंड दिस वन इज प्राइम मूवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर 2। जनरेटर 1 का जो स्पीड रेगुलेशन है वो 4% है, इसका कहने का मतलब कि फुल लोड पे जनरेटर 1 की स्पीड 4% कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फुल लोड पे जनरेटर 1 की फ्रीक्वेंसी 4% कम हो जाएगी। दूसरे जनरेटर के लिए जो गिवन है कि स्पीड रेगुलेशन 3%, इसका कहने का मतलब फुल लोड पर जनरेटर 2 की स्पीड 3% डाउन हो जाएगी, सो फुल लोड पर जनरेटर 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 3% डाउन हो जाएगी। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है जनरेटर 1 की जो रेटिंग है वो है 300 kW, ये जनरेटर 1 की फुल लोड रेटिंग है। ठीक उसी तरह जनरेटर 2 की रेटिंग गिवन है 200 kW। तो अब हम ये ज्यूम करते हैं कि जनरेटर 1 और जनरेटर 2 की जो नो लोड फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ है, विच इज एफ नॉट। नाउ जनरेटर 1 को देखिए, जब जनरेटर 1 फुल लोड शेयर कर रहा होगा, यानी जनरेटर 1 जब 300 kW पावर सप्लाई कर रहा होगा, उस टाइम पर इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो नो लोड फ्रीक्वेंसी से 4% कम होगी, यानी कि एफ नॉट से 4% कम होगी। तो यहां से आप मार्क करके लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट माइनस 4% ऑफ एफ नॉट, यानी कि आप लिख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को 0.96 एफ नॉट। ठीक सेम उसी तरह यदि हम जनरेटर 2 को फुल लोड पर ऑपरेट कराएं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नो लोड फ्रीक्वेंसी से 3% कम हो जाएगी, वो होगी एफ नॉट माइनस 3% ऑफ एफ नॉट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.97 एफ नॉट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड हों। जब ये दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो दोनों अल्टरनेटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहां से बता सकते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किस रेंज में हो सकती है। यदि हम ये कहें कि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ यहाँ होगी, तो उसके लिए क्या होगा कि जनरेटर 1 फुल लोड शेयर कर रहा होगा जबकि जनरेटर 2 ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए जनरेटर 2 को 200 kW से ज्यादा लोड शेयर करना पड़ेगा, जो कि ओवरलोड का केस है। यदि हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी यदि आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जनरेटर 1 तो अपने फुल लोड रेटिंग से कम पावर को शेयर कर रहा है जबकि जनरेटर 2 अभी भी ओवरलोड रहेगा। ओके, तो इसके लिए हमें मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जनरेटर 2 अपने फुल लोड शेयर कर रहा है और जनरेटर 1 भी ओवरलोड नहीं है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकला कि जब हम इन दोनों अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो ये होगा 0.97 एफ नॉट। ओके, तो अब हमें देखना ये है कि इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे दोनों जनरेटर कितना लोड शेयर करता है। यहाँ से हम जनरेटर 2 के लिए देख के बता सकते हैं कि जनरेटर 2 अपने फुल लोड पे है, यानी कि यह
200 किलोवाट लोड शेयर कर रहा है, जबकि जनरेटर 1 कितना पावर शेयर कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि दिस पावर इज P1। यदि हम किसी तरह जनरेटर 1 के द्वारा शेयर किया हुआ लोड P1 को फाइंड आउट कर लें, तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल लोड कनेक्टेड इज पावर P1 प्लस 200 किलोवाट। ओके, तो चलिए अब हम पावर P1 फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आप इस एंगल को देखिए, यदि हम इस एंगल को मानते हैं थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेन थीटा, यदि हम यहाँ के रिस्पेक्ट में हम देखें तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू F0 माइनस 0.96 F0, यानी कि दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन विच इज 300 किलोवाट। तो लिखेंगे F0 माइनस 0.96 F0 डिवाइडेड बाय 300 किलोवाट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंगल थीटा और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में यदि हम देखें tan थीटा इज इक्वल टू F0 माइनस 0.97 F0, यानी कि दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये है पावर P1। तो आप लिखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू F0 माइनस 0.97 F0 डिवाइडेड बाय पावर P1। चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। यहां से आपको मिलेगा 0.04 टाइम्स ऑफ F0 डिवाइडेड बाय 300 किलोवाट विल बी इक्वल टू 0.03 टाइम्स ऑफ F0 डिवाइडेड बाय P1। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करिएगा तो यहां से आपको पावर P1 की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 225 किलोवाट। यानी कि जनरेटर 1 शेयर करेगा 225 किलोवाट, जबकि जनरेटर 2 शेयर करेगा 200 किलोवाट। ओके, तो हमें टोटल लोड फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे पावर P1, यानी कि जनरेटर 1 के द्वारा शेयर किया गया लोड प्लस पावर P2 जनरेटर 2 के द्वारा शेयर किया गया लोड, विच विल बी इक्वल टू P1 की जगह पे लिखेंगे 225 किलोवाट और पावर P2 की जगह पे लिखेंगे 200 किलोवाट। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 425 किलोवाट। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में गिवन है 425 किलोवाट, सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो एक दूसरा क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 63, वो भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन वो थोड़ा इससे इजी है बिकॉज दोनों जनरेटर का स्पीड रेगुलेशन सेम है। तो उस क्वेश्चन में इतने लेंथी प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसे शॉर्टकट में ही समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। ये कहता है टू अल्टरनेटर्स रेटेड 40 MVA एंड 60 MVA रेस्पेक्टिवली आर वर्किंग इन पैरेलल एंड सप्लाइंग अ टोटल लोड ऑफ 80 मेगावाट। स्पीड रेगुलेशन ऑफ बोथ द अल्टरनेटर्स इज 5%। द लोड शेयरिंग बिटवीन देम विल बी व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहता है कि दो अल्टरनेटर जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एक की रेटिंग है 40 MVA और दूसरे की रेटिंग है 60 MVA, और ये टोटल 80 मेगावाट के लोड को सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही गिवन है स्पीड रेगुलेशन ऑफ बोथ अल्टरनेटर्स इज 5%, मींस दोनों अल्टरनेटर का स्पीड रेगुलेशन 5% है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों अल्टरनेटर कितने कितने लोड को शेयर करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों अल्टरनेटर का स्पीड रेगुलेशन सेम है, और यही वजह है कि ये दोनों अल्टरनेटर अपनी रेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड शेयर करेंगे। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, व्हेन स्पीड रेगुलेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स इज सेम देन दे विल शेयर लोड प्रोपोर्शनल टू देयर पावर रेटिंग। जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, मशीन 1 जिसकी रेटिंग है 40 MVA और मशीन 2 जिसकी रेटिंग है 60 MVA, तो ये दोनों अल्टरनेटर अपने KVA रेटिंग के प्रोपोर्शनल ही लोड शेयर करने वाले हैं।
यानी कि यदि मैं ये कहूं कि अल्टरनेटर 1 शेयर करता है लोड P1 और अल्टरनेटर 2 शेयर करता है लोड P2, शेयर्ड लोड इज इक्वल टू P2, तो इसका मतलब शेयर्ड लोड P1 डिवाइडेड बाय शेयर्ड लोड P2 विल बी इक्वल टू 40 MVA, यानी कि रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर 1 डिवाइडेड बाय 60 MVA, यानी कि रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर 2। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया कि P1 इज इक्वल टू 4/6 टाइम्स ऑफ P2। दिस इज इक्वेशन 1। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है टोटल लोड ऑफ 80 MW। इसका कहने का मतलब जनरेटर 1 और जनरेटर 2 ये दोनों मिलके 80 MW लोड को शेयर करने वाले हैं। तो हम ये कहेंगे कि पावर P1 जो कि अल्टरनेटर 1 के द्वारा शेयर किया हुआ लोड है प्लस पावर P2 जो कि अल्टरनेटर 2 के द्वारा शेयर किया हुआ लोड है, दिस विल बी इक्वल टू टोटल लोड यानी कि 80 MW। ओके, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 80 MW, और एक दूसरा इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा P1 इज इक्वल टू 4/6 टाइम्स ऑफ P2 या फिर P1 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ P2। तो इस इक्वेशन को भी यहां लिख लीजिए P1 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ P2। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P1 और P2 की आपको वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद आपको P1 की वैल्यू मिलेगी 32 MW और P2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 48 MW। ये होगा आपका आंसर। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए में गिवन है लोड शेयर्ड बाय अल्टरनेटर 1 इज 32 MW एंड लोड शेयर्ड बाय अल्टरनेटर 2 इज 48 MW। So, option A here is the correct answer.